हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक नंबर 66 में पहुंच गए हम लोग अपने टॉप 200 वाली सीरीज में। आई बटन पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आज का ये टॉपिक है डॉल्फिन डे। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी अनाउंस किया है कि 5 अक्टूबर, नाम ध्यान रखना, 5 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करेंगे नेशनल डॉल्फिन डे। क्या नाम दिया? नेशनल डॉल्फिन डे। देखो, इसके पहले भी क्या था ना कि 5 अक्टूबर को हम लोग मनाते थे गंगा रिवर डॉल्फिन डे, हम लोग मनाते थे। लेकिन अब भारत सरकार ने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने किया है कि जितने भी एक्वाटिक एनिमल हैं, डॉल्फिन जहाँ जहाँ पाई जाती है, चाहे वो गंगेटिक की हो, चाहे रिवर की हो, चाहे ओशन की हो, कहीं की भी डॉल्फिन हो, हर डॉल्फिन को एक ही नाम से जाना जाएगा, नेशनल डॉल्फिन डे के नाम से। ठीक है, और ये जो कमेटी है वो किसने इसको, जिसकी बात है, ये डिसीजन किसने लिया, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कमेटी, इस कमेटी ने इसका डिसीजन लिया है। ठीक है, आगे इंडियाज एंड फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर अभी बनाया गया है, कहाँ पे, पटना यूनिवर्सिटी में। तो ध्यान रखना, फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया है, पटना बिहार में बनाया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद भी मैंने बहुत सारा चीजें आपको पढ़ा रखी है, आप क्या कर सकते हैं, बकायदे इसको स्टॉप कीजिएगा। स्टॉप करने के बाद एक चीज बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। वैसे जब मैंने बायोडाइवर्सिटी लिए थे वहां पे मैंने इनके बारे में बहुत अच्छे से, तो है ना, तो अब इसके बारे में नहीं पढ़ाऊंगा। डॉल्फिन के बारे में जितनी खबरें हो सकती है मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया है, आप आराम से रुक रुक के क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं।